तो आइए सबसे पहले इष्ट की वंदना। आज गुरु पूर्णिमा है, गुरु का दिन है। गॉड इज ग्रेट बट ग्रेटर इज गुरु बिकॉज ही रिवेल्स। हेलो, ईश्वर जरूर महान है, उम्र है तो एक तरफ युवा है, एक तरफ जवानी है। जवानी और बुढ़ापे का ये संगम रात पर शायद आपको आनंद देगा। लेकिन जब मैं किसी कलाकार के सामने, युवा के सामने जब लड़ता हूँ तो अपनी आधी उम्र एक जगह रख देता हूँ। जय हो। क्योंकि अगर युवा बन के मैं गाऊंगा तब आपको आनंद आएगा, और मैंने बड़ा बूढ़ा बन के गाया तो फिर तो वही है कि वो हमारे राकेश भैया कहते हैं कि कौन कहता है कि बुढ़ापे में इसका सिलसिला नहीं होता, आम तब तक मजा नहीं देता जब तक पिलपिला नहीं होता। हमारे राकेश भैया, हम लोग जब आपस में कीर्तन करते तो ये राकेश भैया कहते थे, तो वो सब बातें आपको आनंद मिलेंगे। लेकिन आइए ज्यादा बात न करके गीत संगीत से बात करते हैं। गुरु तस्मै श्री गुरुवे नमः।
सात दिन का यही फल है। जय हो। वैसे मैं जानता हूँ जहाँ राकेश सीतंदी कथा कहते हैं वहाँ लोगों पर प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल। या तो आपने ज्यादा खीर खा ली है, आवाज नहीं निकल रही। भगवान के नाम के जयकारे पर श्रीमान जी, मैं कल की घटना बता रहा हूँ। एक हमारे आर्टिस्ट है, बहुत अच्छे कलाकार थे, वही सत्येंद्र यादव जी, जिनके बच्चे खूब गाते हैं, इमलिया रंगला के रहने वाले। परसों में उनके पास गया, दिन में कैंसर से पीड़ित थे, उनसे मैं गया और रात मेरी बातचीत हुई 2 घंटे दिन में। रात में वो बहुत ज्यादा पीड़ित थे, डॉक्टर मना कर दिया था। तो मैं उनको कह के आया था कि परम परिवार परमेश्वर का ध्यान करो, अब जीवन की अंतिम क्षण चल रहा है। चौकी चारों तरफ से फैल चुका था, पॉइजन हो गया था, उनको पूरा शरीर फट गया था। तो उन्होंने पढ़ा, पढ़ करके बोल नहीं पाते थे, इसलिए उसको पढ़ा और पढ़ के नींद के सो गए। रात के 3 बजे मेरे पास टेलीफोन आया कि ताऊ जी पापा खत्म हो गए। राकेश जी भी हम लोग गए थे, अच्छे आर्टिस्ट थे, अच्छे कलाकार थे, गीत भी लिखते थे। तो जीवन का ये क्षण है, ये बहुत अनमोल चीज है, ये असली खुमाई है। भगवान के नाम पर कभी कोई कुछ कहे उसको बोलिए, लेकिन पता नहीं क्यों लोगों को पता नहीं क्या क्या कहने में होता है, लेकिन नारे लगाएंगे, बहुत कुछ कहेंगे, कोई नुकसान होगा चिल्लाएंगे, लेकिन भगवान के नाम पर हम लोग आलस करते। मैं निवेदन कर रहा हूँ, जहाँ जयकारे की बात हो, दिल खोल के हार्ट, द हार्ट इज द प्लेस ऑफ गॉड, तेरे पूजन को भगवान बनामर मंदिर आलीशान। लव इज गॉड नॉट फॉर एवरी पर्सन, प्यार भगवान के लिए होता है, लगाव भगवान से होना चाहिए, उनके नाम के लिए में कहीं संकोच नहीं होना चाहिए। आप लोगों को खूब नाम लगाया होगा माई राक्षसी चल जी ने। आइए ज्यादा बात में करके गांव ककराला की कि 7 दिन की अमृतमय वैसा इस व्यास पीठ पर राकेश शीतल जी नहीं थे। अगर उनको राकेश शीतल समझ लिया होगा तो बहुत बड़ी भूल की होगी। व्यास पर बैठने वाला एक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन बोलने वाला कोई और होता है, और वो उनकी कथा से आपको लगा होगा। अगर आपने मन से दिल से सुना होगा तो ऐसा लगाओ कि वास्तव में सुखदेव जी राजन परिचित से कुछ कह रहे हैं। इसलिए पवित्र स्थल है ये, भागवत कहीं और हो सकती थी, लेकिन यहाँ क्योंकि अमृत वही वर्षा हुई है भागवत कथा के माध्यम से, जो सब कल्याणकारी है, इसलिए मेरा कहना है गांव ककराला की। गांव ककराला की इस हसो यहो, ज्यादा मत हसो, मन नहीं कर रहा हूँ, समझो यार बच्चे हो, बहुत देर से हंस रहे हो, हंसो, अच्छा अच्छा हंसना अच्छा है, अच्छा लगे हंसाने के लिए आए, इतना हंसाएंगे कि तुम्हारा पेट फूल जाएगा, चिंता मत। गांव ककराला की इस पावन धरन को प्रणाम, ए गांव तेरी, सब तक पहुंच रहा हूँ, वहां तक पहुंच रहा हूँ, वहां तक पहुंच रहा हूँ, सब तक पहुंच रहा हूँ। ए गांव तेरी पावन धरन को पाकिस्तान के बॉर्डर पर खड़े अच्छे लगे, जय हो, क्योंकि वहां आवश्यकता है, यहाँ आवश्यकता नहीं है, यहाँ तो आप निश्चित हो जाइए। हाँ, इलेक्शन भी खत्म हो चुका है, आनंद लीजिए, केवल बैठ के आनंद लीजिए, यहाँ बैठ के आनंद लीजिए, अच्छा लगता है, बहुत अच्छे लोग हैं, समझदार लोग हैं, और अब तो इतना विकास कर दिया है, इतना विकसित हम हो गए हैं कि कहने की आवश्यकता नहीं। जय हो। सारों को अगर समझो तो राज को राज रहने दो,
ए गांव तेरी। मैं उन लोगों से पहुंच रहा हूं, मैं अगर प्रणाम कर रहा हूं धरती को तो आपको प्रणाम कर रहा हूं। अगर आप व्यवधान पैदा करेंगे तो ठीक नहीं, बैठ जाइए आराम से बैठिए। ये मालूम पड़ना चाहिए कि सात दिन की भागवत यहाँ हुई है और ये गांव का करारा है, इसका अपना एक वजूद है, एक वजूद है, ऐसी बात नहीं है। अगर देखा जाए इस क्षेत्र का अपना वजूद, इस गांव का अपना वजूद है, यहाँ के लोगों का वजूद है, मैं जानता हूँ सबको, इसलिए मेरा कहना है ए गांव तेरी पावन धरन को प्रणाम। पश्चात और जा रहा हूं मैं, मुझे नहीं पता, मैं तो केवल आया हूं और आके यहां चलाया हूं। भक्तों की भावना से जो मंदिर यहां बने, किसी की आस्था का मंदिर पश्चिम में हो सकता है, किसी की आस्था का मंदिर पूर्व में हो सकता है, किसी की आस्था का मंदिर दक्षिण में हो सकता है, किसी की आस्था का मंदिर उत्तर में हो सकता है, और किसी किसी की आस्था का मंदिर अपने घर में हो सकता है, वहां तक पहुंचना चाहता हूं। जय हो। कि भक्तों की भावना से जो मंदिर यहाँ बने, अब किसी को राम प्यारे हैं, किसी को कृष्ण प्यारे हैं, किसी को दुर्गा प्यारी है, किसी को भोलेनाथ प्यारे हैं, किसी को शनिदेव प्यारे हैं, किसी को गुरुदेव प्यारे हैं, सबकी आस्था का मंदिर सबके घर में, इसलिए मैं पहुंचना चाहता हूँ। भक्तों की भावना से जो मंदिर यहाँ बने, उनमें बैठे हुए देवी देवों को प्रणाम। यहाँ हुई उन सभी भक्तजनों, उन सभी भक्तजनों आचारी को भी प्रणाम। ये गांव तेरी हर एक डगर को प्रणाम। और फूलों से पातन की, पातन से फूलन की, फूल और पातन से तरवर की शोभा है, तरवर की शोभा है, तरवर की शोभा है। तीन चीज लेके चल रहा हूँ, कहो। फूलों से पातन की, पातन से फूलन की, फूल और पातन से तरवर की शोभा है। संजय भैया बहुत सोचने की बात है। बुद्धि से चरित्र की, चरित्र से बुद्धि की, बुद्धि और चरित्र से नरवर की शोभा है। वरना श्री आचार्य वोल्टेज तो मुझ में है ही, और क्या होगा, वोल्टेज की कमी नहीं है। वोल्टेज की मैं बोलता थोड़ी, जय हो, उम्र में रखता हूँ लेकिन वोल्टेज तो वोल्टेज, जय हो, इसको ध्यान रखिए भैया, मेरे वोल्टेज को इस वोल्टेज को मिला के रखिए तब काम बनेगा। कि बुद्धि से चरित्र की, चरित्र से बुद्धि की, राजा कह रहे हैं वोल्टेज से बुद्धि हो गई। हाँ हाँ, जय हो। अब ऐसे ही कर रहे छेड़खानी। चल चल चलो चलो, जय हो। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ये चचा हैं, चचा से कोई नहीं बचा। जय हो। इन्होंने अनूठा इतिहास रचा है, लेकिन घरवाली के आगे मेरा चाची के आगे चाचा हमेशा नचा है। जय हो, क्या बात है। उका, उका। भाई काफियाबंदी से बात करनी पड़ेगी, राकेश सिद्धल जी बैठे हैं। तो मैं कह रहा हूँ बुद्धि से चरित्र की, चरित्र और बुद्धि से बुद्धि और चरित्र से नरवर की शोभा है। आकर आचार्य राकेश सिद्धल जी, बुद्धि और चरित्र से नरवर की शोभा, इसलिए व्यास जी पर बैठकर उन्होंने आपको एक जन कल्याणकारी अमृतमयी धारा बहाया है। बुद्धि और चरित्र से नरवर की शोभा है, की शोभा है, नरवर की शोभा है, नरवर की शोभा है। और चंदा से तारों की, तारों से चंदा की, चंदा और तारों से अंबर की शोभा है। चंद्रवसी बैठे अक्सर काम यहाँ पर, जय हो। चंद्रा को निकाल दो, अंधेरा इधर हो जाएगा।
कसुना दिखाई पड़ना, इसलिए चंद्रवंश का ध्यान रखना। जय हो। एक चंदा अगर नहीं हो तो तारों की कोई शोभा नहीं, तारे चंदा मिलने से। जय हो। चंदा और तारों से अंबर की शोभा है, शोभा है, और भक्त से भगवान की, भगवान की भक्तों से भक्त और भगवान से मंदिर की शोभा है। और आज इस भागवत कथा पंडाल में आपसे हमारी, हमसे आपकी, आप और हमसे आज इस दर की शोभा है। क्योंकि अगर हम न होते तो आप भी चार पाई पर होते, और आप न होते हम भी कहीं होते। इसलिए ये शोभा बनी रहे, और हमारे यहाँ शोभा राम जी भी जय हो मौजूद हैं। इसलिए ये कार्यक्रम सम्मेलन बना रहे, वक्ता श्रोता आप लोग बने रहे। जय हो। और मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, कार्यक्रम को सुनिएगा, एका दो घंटे सुनिए। सोना तो लगा रहता है, जिंदगी में सोना। ये पहला प्रयोग है, और राकेश भैया ने पहले प्रयोग में मुझे बुलाया यहाँ क्षेत्र में, तो हम चाहते हैं लोगों को जानकारी हो कि जवाबी कीर्तन होता क्या है। इतना निवेदन, तो आइए इस शोभा को बरकरार, तो एक बार मेरे साथ जयकार लगाएंगे, उसके बाद संक्षिप्त में बताना, उसके बाद आगे दुर्गा वृंदावन बिहारी लाल की। आइए किसी भी कार्यक्रम का आधार थोड़ा सा एक मिनट मेरे साथ कीर्तन करिए, उसके बाद संक्षिप्त गणेश वंदना और सरस्वती वंदना, उसके बाद हमारी पार्टी तैयारी करिए, वो आपके बीच में आएगी, दुर्गुण भी आप लोगों में। जिसको बात अच्छी हो, जिसको लगे वो कह सकता है, जिसको नहीं लगे वो नहीं कहेगा। बिल्कुल कहेगा कि जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, न तेरी सी खुशबू न तेरी सी बू है, जिसे तेरे दर का पता मिल गया है, हकीकत में उसको खुदा मिल गया है, मिल गया। और जहाँ पर तुम्हारे कदम रुक गए हैं वहीं तेरे भक्तों के सर झुक गए हैं। अगर दीवाने हो तो बोलना, नहीं दीवाने तो मत बोलना। जय हो। कि मेरा दिल तो मीठी मीठी शुरू हो जाइए। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, हो ईमानदारी से हाथ खड़ा करिए, किस किस का दिल दीवाना हुआ है मुरली वाले के लिए। हम बगल में कौन ही क्यों मार रहे हैं। अच्छा, किसी का कहीं और दीवाना हो सकता है, वो तो अलग अलग भावना है, कुछ लोगों का ही हुआ, ज्यादा का नहीं हुआ। ये असर है हमारे राकेश भैया की भागवत का। अरे यार हाथ खड़ा कीजिए, थोड़ा माहौल बनाइए, सब दीवाने हैं, कोई ऐसा नहीं जो नहीं है। समझ नहीं पा रहे हैं इतनी बार कि मेरा दिल तो दीवाना हो गया। मुरझाए मन की कली खिल गई है, मुरझाए मन की कली खिल गई है, ओ मुरझाए मन की कली खिल गई है, तो नजरों का, अरे नजरों का निशाना हो गया मुरली वाले। Yeah.
शुरू करता है उसको माहौल बनाना पड़ता है, उसमें थोड़ा समय लग जाता है। अब आते हैं जब अभी कीर्तन की ओर। कीर्तन का तरीका है कि सबसे पहले सरस्वती वंदना और उसके बाद हमारे दूरबीन भैया अपना कार्यक्रम लेकर आएंगे। बिना सरस्वती वंदना के संगीत के जो कलाकार होते हैं, जो वाणी देती है वाणी की, वह संगीत की देवी है। जय हो। भगवान शंकर के हाथ में डमरू, भगवान विष्णु के हाथ में शंख, भगवान कृष्ण के हाथ में मुरली, नारद के हाथ में वीणा, ये सब प्रमाण है कि उन्होंने संगीत की देवी का आह्वान किया। तो आइए उसी माँ सरस्वती का आह्वान और उसके बाद हमारे भांजे श्री दूरबीन अपना अपना कार्यक्रम देंगे। कि साज सर गम स्वर साधना में सार भर, जब हंसने की बात तो हंस नहीं रहा। और साज सर गम स्वर साधना में सार भर, और गीत संगीत भरी भक्त में बाहर दे, गीत संगीत भरी भक्त में बाहर दे, गीत संगीत भरी भक्त में बाहर दे। और आज की रात झलंकित अलंकित, झलंकित अलंकित शब्द कर अंकित मां, आज मेरी भक्ति भावना को कुछ तो निखार दे, मेरी भक्ति भावना को कुछ तो निखार दे, मेरी भक्ति भावना को कुछ तो निखार दे। इस मानस पटल पर प्रभाव ऐसा छोड़ दे, इस मानस पटल पर प्रभाव ऐसा छोड़ दे, आज वीणा से बजा मधुर संगीत सार दे, और तार दे मा सार दे मम अवगुण विसार दे, और तार दे मा सार दे मम अवगुण विसार दे। लेकिन आज आज प्रीत रीत नीत भरी बाहा प्रेम धार दे, प्रीत रीत नीत भरी बाहा प्रेम धार दे, प्रीत रीत नीत भरी बाहा प्रेम धार दे। किसी ने कहा क्या जाने वाले, आधा बुढ़ापा आधी जवानी है इधर। जय हो। तो जवानी जवानी है, उस बात का ध्यान रखना। जाने वाले जाने वाले, जाने वाले जाने वाले, लौट के फिर ना आने वाले, लौट के फिर ना आने वाले, ना जा दिल को तोड़ के, जय श्री राम। जय हो। ओ जाने वाले, हो जाने वाले, जाने वाले, हो जाने वाले, जाने वाले, हो जाने वाले। भक्त का है संगीत की देवी, स्वर की देवी माँ सारदे। जय हो। सारदे माँ, प्रीत रीत की नीत बहा कर, प्यार भरा संसार दे मा, प्यार भरा संसार दे मा, ओ सार दे मा, विद्वान लोग यहाँ बैठे हैं, इसलिए मुझे सोच के बोलना पड़ेगा। जय हो। भक्त ने कहा हे माँ शारदे, शब्द झलंकित करके अंकित मुझे मधुर वाणी दे दे, मुझे
रहू न संकित बनू असंकित। संभवत है परीक्षित जी की ओर से, बाबा जी की ओर से ये हमारे कलाकारों का सम्मान, उनका इधर से अभिनंदन वंदन करते हुए। आज गुरु पूर्णिमा है और जब किसी बुजुर्ग का आशीर्वाद कलाकारों को मिलता है तो निश्चित जी आगे बढ़ता है, क्योंकि गॉड इज ग्रेट बट ग्रेटर इज गुरु बिकॉज यूनिवर्स गॉड। जय हो। गुरु बड़ है गोविंद से मन में सोच विचार, हर समय से बार है गुरु समय सो, इसलिए गुरु का व्यक्त स्थान होता है। तो उनका वंदन अभिनंदन करते हुए कहना है अलंकित शब्द 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 झलंकित करके अंकित मुझे मधुर वाणी दे दे। और रहू न संकित बनू असंकित वर वीणा पानी दे दे। भक्ति में वो शक्ति दे दे जिससे गाऊं गुड़ तेरा, जिससे गाऊं गुड़ तेरा, जिससे गाऊं गुड़ तेरा। और अभिव्यक्ति अनुरक्ति देकर दूर करो अब गुण मेरा, दूर करो अब गुण मेरा, दूर करो अब गुण मेरा। और हे मां एक बात और ध्यान रखना, जय हो। इस काम क्रोध मद लोभ मोह से, काम क्रोध मद लोभ मोह से, काम क्रोध मद लोभ मोह को मन से मेरे विसार दे, मन से मेरे विसार दे। ओ शारदे मां, क्योंकि युवा कलाकार से मेरा मुकाबला, इसलिए आन बिराजो कंठ पे मेरे और पादो अमृत धारा, टूटा फूटा जो भी गाऊं, टूटा फूटा जो भी गाऊं लग जाए सबको प्यारा, आशा और विश्वास दे। और सार सार ही भाई मन को, 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 अब ऐसे आसार दे, आसार दे, आसार दे और आसार दे, अब ऐसे आसार दे। ओ शारदे मां, ओ शारदे, शारदे मां, ओ शारदे मां, ओ शारदे मां। अंतिम श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए हे मां, ब्रह्मा विष्णु नारद सारद सबने तुमको माना है, सबने तुमको माना है, सबने तुमको माना है। अरे भ्रम तम और अज्ञान मिटाती, भ्रम तम और अज्ञान मिटाती जाने सभी जमाना है, जाने सभी जमाना है,
संत अनंत कहें पर पार न तेरा पाते हैं, पार न तेरा पाते हैं, पार न तेरा पाते हैं। संत बसंत अनंत कहें कोई पार न तेरा पाते हैं, पार न तेरा पाते हैं। गीत विचित्र मधुर मुकेश के जो मेरे मन अर्पित तन है समर्पित, मन है अर्पित तन है समर्पित, अरे सब कुछ मेरा निसार दे ओ सर दे मां, ओ सर दे मां, और सरस्वती मैया की जय हो। चलते चलते जो कीर्तन की परंपरा है उसको निभा करते हुए दो लाइनों में उसके बाद आगे भाई दुर्वी जी अपने कार्यक्रम को लेकर। राधे 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 तूने छोड़ा राधे तूने छोड़ा राधे तूने छोड़ा दीवाना कर दे, राधे तूने छोड़ा दीवाना कर दे, राधे तूने छोड़ा दीवाना कर दे। राधे तूने छोड़ा राधे 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 इस पुल पुल में जाती है। लेकिन राकेश भैया को मैंने देखा है, मैंने वो रिश्ता देखा है कि राकेश के पिताजी जब इस दुनिया को छोड़ के गए तो मैं एक दिन पहले था, और मेरे पिताजी जब छोड़ के गए तो राकेश एक दिन पहले थे। अब ये क्या रिश्ता है मैं नहीं जानता हूँ, मैं गया हूँ शाम को पता चला ऐसे ही मेरे पिताजी, तो ये रिश्ता पता नहीं क्या है, ये तो अलग है हमारी समाज की बात है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जिससे मैंने बहुत कुछ सीखना चाहा, इतना क्रोध था राकेश भैया, और जब से अगर ये नहीं होते तो बिना बंदूक के मैं चलता नहीं था कोई कार्यक्रम, सिर्फ था वो घुसी हुई थी, क्या घुसी थी आप जानते हो, सूर्यवंश है चंद्रवंश है, तो अगर चंद्रवंश नहीं होता तो सूर्य में तेज होता नहीं,
अभी भी कभी कभी आ जाता है, तो वो एक व्यक्तित्व उनकी ओर से ही हमारे कलाकारों का सम्मान है। मैं इधर से अपने राकेश भैया का, आचार्य जी का इधर से अभिनंदन वंदन करते हुए कहता हूँ कि आप इसी तरह से इस समाज में एक नई जागृति पैदा करते हैं और कथा भागवत में उनको इतनी व्यस्तता है, सच बता रहा हूँ, पैसे मैनेज करते हैं, मैं नहीं समझ पाता हूँ। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपकी है, उसके पश्चात भी आप इतना काम मैनेज कर लेते हैं, इसके लिए केवल ऊपर वाले की एवरीथिंग इज पॉसिबल बाय द ग्रेस ऑफ लॉर्ड, प्रभु की कृपा आप पर बरस रही है। बहुत संघर्ष आपने देखा है, पूरे जीवन में जिस संघर्ष से आप जिए हैं, मैं जानता हूं कि अगर जीना चाहो तो राकेश जी के चरित्र से सीखे कि जिंदगी कैसे जी जाती है। आइए उनका अभिनंदन वंदन करते हुए एक बार जोर से जयकार लगाएंगे और फिर आ रहे हमारे ध्रुव भैया, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो युवा पूरा आनंद लेना, चिंता मत की, जवानी में जवानी का मजा लेना, जवानी है समझो तो हकीकत है, समझो तो हकीकत है, न समझो तो कहानी है। ये कीर्तन की रात है दोस्तों, यूं ही बीत जाएगी, सुबह मालूम पड़ जाएगा कि किसमें कितना पानी है। एक बार बोल जोर से एक जयकारा लगाएं, बोले शंकर भगवान की, बोले स्वामी शांतानंद जी महाराज की, एक बार प्रेम से बोलिए जय जय श्री। बहुत बहुत धन्यवाद, बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आप सभी लोगों ने मिल करके इस दिव्य मंडप में इतनी सुंदर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया और जितनी अच्छी व्यवस्था आपने सात दिन श्रीमद् भागवत की कथा में रखी, आपने कथा को बड़े नियम से सुना और उससे कहीं ज्यादा अच्छी व्यवस्था आज भंडारे में रखी गई है। दूर दूर तक आने वाले जाने वाले प्रसाद पाने वालों ने आपकी बहुत प्रशंसा की है। ये बच्चे लोग जब आ रहे थे फिरोजाबाद से तो बता रहे थे कि पृथ्वीपुर से लेकर लेकर वहां तक लाइन चली जा रही है सड़कों पर, तो एक बार जोरदार तालियां इस कमेटी के लिए और गांव गांव ककराना के लिए अपने आप से हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, आप सभी की इच्छा थी कि रात का कोई कार्यक्रम रखवा दिया जाए, आज जब अभी कीर्तन का कार्यक्रम रखा गया है, हमारे बहुत ही बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, बच्चे लोग बैठे हैं, माता बहन बेटियां भी बैठी हैं, अब सात दिन हो गए हैं, आज आठवां दिन है, आज की रात के बाद आराम कर लेना खूब। जवाबी कीर्तन है आज, और जवाबी कीर्तन बहुत कम लोगों ने सुना होगा, कुछ लोग जो यूट्यूब से जुड़े हुए हैं उनने सुना होगा। सही बात यह कि कीर्तन भगवान को प्राप्त करने का एक साधन है, इसका कोई जवाब नहीं हो सकता। फिर आप कहेंगे कि आप भी बहुत पहले से जवाबी गाते हो, फिर क्या गाते हो, तो जवाबी कीर्तन शाब्दिक आनंद है। आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, नया नया कार्यक्रम है, कोई एक कथा नहीं चलेगी, एक एक गीत में चार चार युगों की बात करते हैं। तो जिन्हें आप अभी सुन रहे थे आदरणीय बड़े भैया श्री बसंत बद्रड़ जी, इनके और मेरे बहुत बहुत काम हुए हैं, बीसों साल से लगातार आठ आठ नौ नौ दिन, चाहे राजस्थान रहा हो, चाहे दिल्ली रही हो, पूर्वांचल से लेकर उत्तरांचल तक हम लोगों ने बहुत गाया है। बहुत ही अच्छे सशक्त लेखक हैं, बहुत सुंदर रचना है, सामाजिक गीत है और नई पुरानी धुन, मतलब नई धुन को भी बिल्कुल पुराने अंदाज में और पुराने होकर भी नई धुन को अंदाज में ला सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये कार्यक्रम बहुत पसंद आएगा। ये दुर्बीन सिंह हैं जो भांजे हैं, थोड़ी देर हिम्मत बना करके रखना, क्योंकि नए काम में क्या लगता है पतोना जे का पीछे भाई हे कर रहे हैं भाई समय भी नारी गच। तो हर कार्यक्रम की अपनी कुछ विधाएं होती हैं, तो थोड़ा सा आप एक दो राउंड सुनेंगे तो फिर आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। वंदना का कोई दौर का निश्चित नहीं होता है, थोड़ा समय लग भी जाएगा, प्रयास किया है कि जल्दी से निपट जाए। उसके बाद दोनों पार्टियों के लिए 30 से 35 मिनट रहेंगे, एक गीत उधर से जब गाया जाएगा तो इधर से उसका जवाब दिया जाएगा, और उसके बाद इधर से गीत गवेगा तो उधर से जवाब होगा। एक दौर में थोड़ा इधर समय मिल जाता है, एक गीत के साथ साथ एक और टुकड़ा गाया जाता है जिसे जवाबी की भाषा में कटपीस कहा जाता है, और उसे ऐसे समझ लीजिए जैसे पूरी दावत खाने के बाद पहले बाद में सबसे बाद में सौंठ और पापड़ आते थे,
जिससे आपका जायका सही हो जाए। तो वो कटपीस भी आपको साहित्यिक मिलेगा, धुन भी आपको नई पुरानी मिलेंगी और ज्ञान वर्धन भी होगा। और जितनी कथाएं मंच से पढ़ी गई हैं उनसे कहीं ज्यादा कथाएं हम लोग जवाबी कीर्तन में गा देते हैं। रही बात मेहनत की, पूरे दिन की कथा एक तरफ और एक राउंड जवाबी का एक तरफ। अब आपको ये संजय भैया हैं, ये देवेंद्र हैं, ये जो यहाँ बजाने वाले जो 7 दिन से मेरे साथ मेहनत कर रहे थे, आज उन संजय में और इन संजय में बड़ा फर्क रहेगा। ये बचपन से मेरे साथ रहे हैं। आइए दोनों पार्टियां एक बार दोनों पार्टियों के लिए जोरदार तालियां बजाइए। और अब कोई भी किसी के बीच में नहीं रहेगा, समझ लेना कोई बीच बचाव वाला नहीं है। बस आपको ही अपने निपटना है आपस में। उधर से वंदना हो चुकी है, इधर से वंदना हो जाए, उसके बाद जवाबी शुरू हो जाएगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर बजा दीजिए जोरदार तालियां दुर्वीन सिंह जी और बसंत जी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। केएस म्यूजिक जो हमारे बैठे हैं, सही बात है कि बहुत से चैनल बहुत चल रहे हैं, लेकिन जवाबी कीर्तन के क्षेत्र में जितनी पकड़ और जितनी पहुंच केएस म्यूजिक भाई संजय राठौर जी की है, कशिश बिटिया की है, उतनी किसी की नहीं है। ये रिकॉर्डिंग करने के लिए कभी झांसी, कभी दतिया, ललितपुर, पूर्वांचल के सारे कार्यक्रम, बाराबंकी, सब कार्यक्रम इन्होंने रिकॉर्ड किए हैं, आज हमारे बीच में हैं। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सर्वप्रथम गांव ककरारा की इस पावन भूमि को प्रणाम करते हैं। प्रणाम करते हैं यहां बैठे हुए हर जनमानस को, हर मात्र शक्ति को। प्रणाम करते हैं यहां पर 7 दिन तक आपको श्रीमद् भागवत का रहस्यवसाधन कराने वाले आदरणीय व्यास जी, परम पूजनीय मामा श्री राकेश शीतल जी, सभी दूर दराज से आए हुए सभी छोटे बड़े भाइयों का हृदय से वंदन अभिनंदन करते हुए मंच पर आसीन आदरणीय श्री बसंत पतझड़ जी आपसे आशीर्वाद की कामना करते हैं। और आपने एक बात कह दी मामा के आज के युवाओं को अकेला रहना चाहिए, लेकिन मैंने आपको देखे ये सीखा है कि जहां बुजुर्ग का सम्मान ना पहले किया जाए तो फिर कैसे हुआ। दादा, दादागिरी नहीं चलेगी यहाँ पे। और आपका और मेरा ये तीसरा कार्यक्रम है। पहले दो कार्यक्रमों में भी आपने ही शुभारंभ किया है और मैं तो चाहता हूँ कि आप ही करते रहें। Hey!
या देवी सर्वभूते ज्ञान रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः ओ हो नमस्तुभ्यं स्वरेश्वरी हरिप्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं पातात्मज वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये आप सात दिन से आदरणीय मामा श्री संजय सिंह को आप नाल बजाते देख रहे थे और तो जैसा कि जवाबी की विधा होती है, आइए थोड़ी सी देर में मैं आपको इनको दिखा दूं कि ये क्या बजाते हैं। इनका असली रूप दिखाओ। देख रहे हो दादा जवानी।
अच्छा आप देखते हो काबिल है बच्चा काबिल है। अब देखो ठाकुर 21 रुपए का पुरस्कार आया है।
युवा टीम ककरारा की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आइए जैसा कि परंपरा है अपने इष्ट माँ सरस्वती के चरणों में नमन करते हुए और उसके बाद जिस जवाबी पल की आपको इंतजार है वो आपके सामने लेके आएंगे आदरणीय मामा श्री बसंत पतझड़ जी। तेरे दरबार, तेरे दरबार से कोई भी निकाला नहीं जाता और मायूस कोई मांगने वाला नहीं जाता। ये पूरी सृष्टि, ये पूरी क्या बात है, बहुत अच्छी, ये पूरी सृष्टि माँ तेरे लंगर से पलती है तो हमसे तो एक परिवार तक पाला नहीं जाता। आइए भक्त कहता है कि माँ कि इस योग्य हम कहाँ हैं, और फिर भी मना रहे हैं शायद तू मान जाए, फिर भी मना रहे शायद तू मान जाए, फिर भी मना रहे शायद तू मान जाए। माँ मनाने के काबिल तो नहीं लेकिन मां प्रार्थना कर रहा हूं कि शायद तू मान जाए। इस योग्य हम कहां है जो तुमको मां मनाए और फिर भी मना रहे हैं शायद तू मान जाए, फिर भी मना आशीर्वाद चाहूंगा, आशीर्वाद आपका ही है, आपके आशीर्वाद से ये वंदना मैंने आज ही लिखी है। मैं समझता हूँ कि कहीं हो सकता है कि कोई दुकान में ज्यादा अच्छा प्रयोग न हुआ हो लेकिन भाव कि मुझे मेरे ऊपर छाई है मेरे
निवेदन करता हूँ माँ। रस छंद रागिनी माँ, रागों को ना पहचानूं और करते सिर्फ कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं कुछ टूटा फूटा मत जाए तो आशीर्वाद हो जाए माँ। ये हो तो संगीत गीत स्वरो माँ, संगीत गीत स्वरो माँ आकर स्वयं सजाए फिर भी मना उजियार मन में आए तो फिर भी मना रहे हैं शायद रुपए से हमें और हमारे सभी साथीगणों को सम्मानित कर रहे हैं परम आदरणीय मामा श्री अश्विनी यादव जी। और बड़े सौभाग्य की बात यह है मामा कि आज गुरु पूर्णिमा है और मैं आदरणीय मामा श्री अश्विनी जी का बीएड का स्टूडेंट रहा हूं, वो मेरे गुरु हैं, आशीर्वाद चाहता हूं। माँ से निवेदन करता हूं और कहता हूं कि हे माँ मेरी बस इतनी प्रार्थना और सुनना कि जीवन में है अज्ञानी हूँ अकिंचन
अभी हमें दिया गया है तो ये बहुत जल्दी बनके उन्हें आदेश दे दिया गया बसंत भैया आ रहे हैं। सही बात है कि जब तक शोभाराम भैया ना आए तब तक मंच पर शोभा नहीं होगी। हाँ, अब उनका ग्रुप पूरा हो गया है। सही बात है कि अभी अभी बसंत भैया नहीं आएंगे क्योंकि दूरबीन जी के कहने से ही आपको थोड़ी करना है, आपको तो उनके कहने से करना है। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। एक बार ऐसा हुआ कि एक गांव में एक बाबा जी जैसे हमारे रहते हैं, हाथ में कमंडल लेकर के मठा लेने मांगने पहुंच गए। आवाज लगाई, बेटा थोड़ा मठा चाहिए। घर में सास थी नहीं, बहू थी अकेली। आवाज सुनी, बहू बिचारी बाहर निकल करके आई। बाबा ने आवाज लगाई है तो कुछ ना कुछ तो जवाब देना ही है। तो बाबा ने कहा कि बेटा थोड़ा मट्ठा चाहिए। बहू बाहर निकल करके आई, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और हाथ जोड़ करके बोली, महाराज जी घर पर मट्ठा है नहीं, दूध नहीं होता है, माफ करें और कुछ ले लें। बाबा ने कहा कोई बात नहीं बेटा, आगे से मांग लेंगे। बाबा वहां से निकल करके लौट के आए। थोड़ी दूर आगे बढ़े थे तब तक संजय भैया उन्हें उस बहू की सास मिल गई। और जब सास मिल गई तो सास ने कहा कि महाराज जी आप कहां से आए हो? बोले कुछ ना बेटा, थोड़ा मठा लेने गए थे। कहां से लौट के आए हो? कि वो सामने जो घर बना है ना जमाटो साहब का, बस यहीं से आए हैं। बोले मठा नहीं मिला? बोले नहीं मिला। घर पे कौन था? कोई बहू थी, बेटी थी, उसने मना कर दिया। बोले अच्छा, उसकी इतनी हिम्मत कि बाबा से मठा के लिए मना कर दिया, चलो मेरे साथ। और वो सास महाराज जी को लेकर के और अपने घर के द्वार पर आ गए। बाबा ने सोचा कि बहू बेचारी सास के डर के मारे मठा नहीं दे पाई होगी, या अभी मठा चला नहीं होगा तो बेचारी ने मना कर दिया। लेकिन दादा अनंत सिंह जी, जैसे ही बहू पास में आई और सास चिल्ला के बोली, क्यों बहू, तेरी इतनी हिम्मत मत कि तू द्वार पैसे महात्मा को बिना मठा के लौटा दे? मैं घर पे नहीं थी, तूने बाबा को लौटा क्यों दिया? अब बहू बेचारी सर पका गई, पता नहीं सास क्या कहना चाहती है। जैसे ही बहू को दोबारा से डांटा, बाबा को लगा कि अब हमें यहाँ से मठा और दही साथ मिल जाएगा। लेकिन अगले ही पल सास बोली, बहू तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई कि बाबा को मठा नहीं दिया? तुम कौन होती हो घर की? घर की सास तुम हो कि मैं हूँ? मैं घर की सास हूँ और अब मैं मना कर रही हूँ कि महाराज जी घर में मठा नहीं है, अब जाओ। तो अभी हाल में मंच की सास हम हैं, ठीक है? अब हम कह रहे हैं कि बसंत जी आप जोरदार तालियां बजाओ बसंत भैया। बहुत बहुत धन्यवाद।